हो रहा है, अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम क्या लाए थे, क्या ले जाने वाले हो? ये दूसरा रास्ता है। हाँ, और इस रास्ते पर हमको भटकाने वाले 10-20 नहीं है, सैकड़ों लोग हैं, रोज आते हैं और माला पकड़ा देते हैं कि राम 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 राम, राधे 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 राधे, राम 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 राम, राधे राधे, बस यही करो, देश तो ठीक हो जाएगा। और ज्यादा उनसे तर्क करो तो कहने लगे, तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम क्या लाए थे, क्या ले जाओगे? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, देश लुट रहा है अच्छा हो रहा है, आगे लुटेगा और अच्छा होगा। वो हमको समझाते और इसी को धर्म कहते हैं, इसी को धर्म कहते हैं। और आजकल धर्म के व्यापार करने वालों की बाढ़ आई हुई है। हाँ, बहुत बड़ी फौज खड़ी हुई है उनकी। एक आया राम की कथा कहेगा 10 करोड़ लेके जाएगा, दूसरा कृष्ण की कथा कहेगा वो 15 करोड़ लेके जाएगा। और आप जैसे भोले भाले मूर्ख लोग डालते हैं उनके पात्रों में, ले जा भाई, ये बापू नहीं है, डाकू है। बापू नाम तो शर्म आती है कहते हुए। कहीं से 10 करोड़ लूटो, कहीं से 20 करोड़, कहीं से 25 करोड़, और आप लोगों की मजबूरी है कि काले धन का करें क्या? इनकम टैक्स वाले पकड़ते हैं तो ये बापुओं को देते रहते हो आप, क्या करें उसका? और ये बापू लोग हमें सिखाते रहते हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, वाह वाह। मैंने देखा है क्या क्या पाखंड और नौटंकी चलता है। भगवान राम की कथा कहने आते और भगवान राम की जिंदगी के वो प्रसंग कभी नहीं सुनाते जो हम में वीरता पैदा करें, जो साहस पैदा करें। राम की जिंदगी में बहुत सारा हिस्सा साहस का है, वीरता का है। जब 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए राम, तो हमको सुनाई जाती है राम की जो कथा ना, उसमें कहते हैं राम ने 14 साल एक ही काम किया, हाय सीते हे सीते, हाय सीते हे सीते, हाय सीते, ये सुनाते हैं हमको। हाँ, यही सुनाते हैं निकाल के कहानी में से। और मैं कहता हूं कि राम को अगर हाय सीते हे सीते, हाय सीते यही करना था 14 साल, तो दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लिया? सैकड़ों राजा तैयार थे अपनी राजकुमारियों को राम को देने के लिए, वो तो कर लेते दूसरा विवाह, क्योंकि हाय सीते हे सीते, हाय सीते हे सीते, एक स्त्री के लिए अगर वो इतने ही बिलख रहे थे, तड़प रहे थे, दूसरा विवाह कर लेते तो ये सब चुप हो जाते हैं, फिर बात नहीं करते। फिर मैं उनको रामायण में से निकाल के दिखाता हूं, देखो राम ने हे सीते हाय सीते कहा नहीं कहा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन 14 साल वन में रहते हुए सैकड़ों राक्षसों का संहार किया उन्होंने, मारा उनको और धर्म राज्य की स्थापना कराई। ये कहानी नहीं सुनाते क्योंकि इससे वीरता पैदा होती है। तो राम का जो वीरत्व है वो नहीं सुनाएंगे आपको, उनकी जो कमजोरियां हैं वो सुनाते हैं आपको। और राम कथा जब वर्णन की जाती है तो मंच में बैठ के आहा कैसे आंसू ढलल ढलल आंसू निकलेंगे, आपको भी रुलाएंगे, खुद भी रोएंगे। किस बात के लिए? हो राम को वन गमन में इतना कष्ट हो रहा है, वन में इतनी तकलीफें हो रही हैं, तो राम की तकलीफों का वर्णन कर रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। और ये सारा वर्णन एयर कंडीशनड मंच पर बैठ कर होता है, अपने को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राम की तकलीफों का वर्णन कर, एयर कंडीशन मंच चाहिए, एयर कंडीशन घर चाहिए रहने के लिए, एयर कंडीशन कार चाहिए और चार्टर्ड प्लेन चाहिए आने और जाने के लिए, तब राम की कथा सुनाई जाएगी। जो राम जिंदगी भर पैदल चलते रहे, जिन्होंने अपना रथ भी छोड़ दिया था अयोध्या से निकलते समय, वो राम ने जिंदगी भर पैदल चल के काम किया और यहां एयर कंडीशन कारों में घूम घूम कर, चार्टर्ड प्लेन में घूम घूम कर राम की कथा सुनाते हैं। वो कथा वथा नहीं है, वो उद्योग है, व्यापार है, बिना टैक्स का। और मुझे बहुत शर्म है ये कहते हुए, समय आने पर प्रमाण से बात करूंगा,
कि राम कथा कहने वाले ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के काम में लगे हुए एजेंट हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और मुझे इससे भी बड़ी शर्म आती है कहते हुए कि आप जो उनको दे रहे हैं दान के रूप में, वो पैसा ब्याज पर उठा रहे हैं वो दूसरे लोगों को, और आपके दिए हुए पैसे से धंधा बना रहे हैं अपना। फिर ऐसे ही कृष्ण की कथा कहने वाले आ जाते हैं, कहते राधे 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 और कुछ कहो ही मत, राधे राधे। कंस को मारा, जरासंध को मारा, शिशुपाल को मारा, अधर्मियों को मारा, ये सब थोड़े में, राधे 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 बड़े में। हाँ, क्योंकि आपको कायर बनाना है ना, निर्वीर बनाना है, नपुंसक बनाना है, तो वीरता की कहानी क्यों सुनानी है? तो चुन चुन कर ऐसी कहानियां सुनाते हैं। और मैं आपको बहुत गंभीर बात कह रहा हूं कि ये सारे हमारे देश में जो पाखंडी लोग हैं ना, राम और कृष्ण की कथा कहने वाले, ये सरकारों के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि सरकारों ने इनको एक कान में मंत्र फूंका है, तुम लोगों का ध्यान इस तरफ भटकाते रहो ताकि कोई महंगाई के खिलाफ ना लड़े, गरीबी के खिलाफ ना लड़े, बेरोजगारी के खिलाफ ना लड़े, अत्याचार के खिलाफ ना लड़े, वो डूबा रहे राधे 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 राम 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 राम, बस इसी में। और समझाते रहो तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा। एक रास्ता ये है। अब दो रास्ते हैं अपने सामने, एक रास्ता भगत सिंह का, ऊधम सिंह का, चंद्रशेखर का, एक रास्ता हमारे ये धर्म गुरुओं का, पाखंडियों का, जो राम की कथा कृष्ण की कथा। मुझे बहुत ऑफर आए हैं, मैं आपको दिल का दर्द बता रहा हूं, सच में कह रहा हूं, आपसे नाम नहीं लेता, मुझे ऑफर आए कि तुम कहां बेकार भटक रहे हो, मेरे साथ आ जाओ। मैंने कहा बापूजी क्या होगा उसमें? तो कहने लगे जितना मिलता है वो डबल हो जाएगा। मैं बोलना कैसे? तो उन्होंने कहा तुम्हारी वाणी में बहुत जोर है और मेरे पास लोगों की भीड़ इकट्ठा करने का, मजमा लगाने का तरीका है। मैं ऐसा डमरू बजाता हूं कि सब इकट्ठे होते हैं और तुम्हारी वाणी में जोर बहुत है, मिलके लूटेंगे, थोड़ा तुम्हारा थोड़ा मेरा, ऐसे खुले ऑफर है मेरे पास। और मैं कहता हूं बापूजी माफ करो। क्यों? कहते हैं तुम्हें पैसे नहीं चाहिए। मैंने कहा पैसे ही चाहिए होते तो बहुत रास्ते हैं मेरे पास, यही एक बचा है। पैसे ही कमाने हैं तो बहुत रास्ते हैं, ये एक रास्ता थोड़ी है, बहुत तरीके हैं पैसे कमा लूं, घर बना लूं, बीवी बच्चे ले आऊं, करोड़पति हो जाऊं, 10 करोड़पति हो जाऊं, 100 करोड़पति हो जाऊं, बहुत आसान काम है ये। तो थोड़ी चालाकी हो तो सैकड़ों करोड़ बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है इस देश में। फिर अंत में तो वही होगा ना, सैकड़ों करोड़ हो गए, एक दिन डायबिटीज होगी, एक दिन अर्थराइटिस होगा, एक दिन हार्ट अटैक आएगा, मैं मरने ही वाला हूं। तो मरना तो है ही, वहां भी शायद जल्दी मरूं, क्योंकि जब शरीर में तामस वृत्ति आती है ना तो जल्दी मरता है आदमी। जब तक सात्विक रहता है तब तक थोड़ा दम रहता है, तो तामस वृत्ति आएगी, मरना मुझे वहां भी है, तो क्यों ना इस रास्ते पे चल के मरूं जहां सात्विक वृत्ति भी है, मरना है ये तो पक्का ही है, जिंदा तो कोई रहेगा नहीं। तो भगत सिंह का रास्ता क्या बुरा, ऊधम सिंह का रास्ता क्या बुरा, चंद्रशेखर का रास्ता क्या बुरा, कुछ करके मरो ना। मरेंगे ये सब भी, साधु संत पाखंडी, राम की कथा सुनाते सुनाते हार्ट अटैक आएगा, मरेंगे वो भी। डायबिटीज सबको हो रखी है, मैंने देखा है नजदीक से जाके, सब इंसुलिन लगाते हैं, खाते हैं गोलियां, अपनी डायबिटीज नहीं मिटा पाते, दूसरों को उपदेश देते फिरते हैं।